जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। इसके अंदर एक लेंस है। एक्चुअली लेंस से याद आया, लेंस की मैंने काफी सारी वीडियो दी हुई है पहले जो स्मार्टफोन में काम आते हैं, चाहे मैक्रो लेंस हो, मैंने उसका वीडियो दिया हुआ है, या फिर हो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस बोलते हैं उसे। इवन हमने भाई एनामोर्फिक लेंस होता है फोन के लिए, उसको भी कवर किया हुआ है। लेकिन आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। फन फैक्ट ये है कि भाई डब्बे खाली है, अभी अनबॉक्स भी नहीं किया था हमने इसे। वैसे इसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, तो एक बॉक्स, दो, तीन। हो, क्वालिटी अच्छी है यार अर्शद इसकी। तो अभी हम लोग करने वाले इन सबको असेंबल, फिर देखते हैं क्या कैसे होता है। इस वाले लेंस का जो सजेशन था ये आया था गूगल फॉर्म में, और ये एक टेलीस्कोप लेंस है। जी हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इवन बॉक्स पे भी देख रहे हो आप लोग, कितना बढ़िया से फोटो क्लिक करके दिखाया हुआ है, और लिखा हुआ 150x, इतना टाइम्स आप जूम कर सकते हैं। तो मैं काफी सारे गैजेट्स को ऑर्डर कर रहा था, मैंने कहा इसको भी ऑर्डर कर दिया जाए और एक वीडियो इसके लिए अलग से देखेंगे, थोड़ा देखें क्या है, डिफरेंट भी हो जाए। रोज स्मार्टफोन टेस्ट करते हैं, मेरे लिए भी थोड़ा कुछ नया हो जाएगा, आपके लिए भी नया हो जाएगा। और नए नए से याद है, अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। अब भाई सही सही बताएं तो जो टेलीस्कोप लेंस होता है ना, ये बहुत ही महंगे आते हैं। मतलब नॉर्मली कई टाइप के टेलीस्कोप लेंस होते हैं। वैसे ये वाला लेंस 300mm फोकल लेंथ के साथ आता है, और जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ऐसे महंगे महंगे वाले आते हैं भाई, 3000 या फिर कम ज्यादा भी हो सकता है, इतने ज्यादा फोकल लेंथ के आते हैं। आप सोचो कहाँ जूम करके कहाँ जा सकते हैं। बट ये 4500 रुपये का मिला है अमेजोन से, और 4500 रुपये के हिसाब से बिल्ड वगैरह तो अच्छा ही है। हालांकि आप चाहें तो इसको देसी जुगाड़ से खुद भी बना सकते हैं। एक लेंस इधर होता है, एक लेंस इधर होता है। जितना मैं जानता हूँ ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। जैसे डायरी है ना भाई, इस पर लाइट टकराती है, टकरा के हमारी आंखों में पड़ती है, तभी तो हमें दिखाई देता है ना। सेम कॉन्सेप्ट होता है, चांद सितारे कुछ भी हो उसकी लाइट मतलब इसमें पड़ती है। और फिर यहाँ पर एक और लेंस होता है जो कि हमें दिखाता है, और ये जूम करता है, काफ़ी ज़्यादा जूम करता है। एक लेंस इधर है, इधर स्मॉल लेंस होता है, सामने बड़ा लेंस होता है। और इसको जोड़ने का प्रोसेस थोड़ा मेहनत वाला हो जाता है पहली बार, क्योंकि यूज़र मैनुअल में ढंग से दिया नहीं था। इसको बस यहाँ लगाना है, यहाँ से टाइट होगा, या ट्राईपोड में होता है ना, इसको ऐसे मूव कराने के लिए है, मतलब मस्त। उसके बाद जिसके लिए भाई पूछा गया था, उनको जो फोटो दिखा होगा, इसके अंदर फोन लग जाता है। इसके अंदर दो लेंसेज हैं, 6mm, और ज़्यादा जूम करने काम आएगा। ये है 20mm, इसमें लग के इसको बस घुमा देना है, और फिर ये इसके अंदर लगता है यहाँ पे, फिर यहाँ फोन लगेगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है इसकी। इसके अंदर मैंने 6mm का लेंस लगाया है, और इसका जो फोकल लेंथ है वो 300 है, तो 300 डिवाइडेड बाय 6mm कितना आया, 50x। इन्होंने ये दो और लेंस टाइप दे रखे हैं, एक 3x है, एक 1.5x है। हम 3x लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब। तो इसे लगाने के बाद 50x आया था, 3x और मल्टीप्लाई हो गया 150x। कैलकुलेशन ओपी, गलत ना बोल दिया जल्दी में। मेन लेंस हमारा ये है, वो पता होना चाहिए आपको, उसको इस पे सेट कर देना है, ये यहाँ लगता है। हालांकि ये होता क्या है ना, जो चीज़ इसमें दिखती है उसको आपको इस कोना ऐसे कम ज़्यादा करके थोड़ा बहुत, ताकि आप यहाँ से देख सको, क्योंकि ये वाला काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इसमें कुछ भी दूर वाला देखोगे दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्ट तो कुछ भी बिल्डिंग देखना, किसी को जूम करना बिल्डिंग को आसपास, मस्त हो जाएगा। बट आपको एस्ट्रोनॉमी वाला काम करना है तो फिर इसमें से आपको एक व्यू फाइंडर सेट करना पड़ता है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम देने के बाद ये रेडी तो हो गया हमारा कम्प्लीट, और ये कुछ ऐसा दिखता अभी के डेट में। इसमें ना अब ये डिस्प्ले पर थोड़ा ऐसे ऐसे दिखता है, स्मॉल सा दिखेगा। अगर इसको लेकिन 3x पे कर दो ना जूम, तो ये पूरा एरिया कवर कर लेता है फोन का। अब मैं समझाता हूँ इसको, ये काफ़ी ज़्यादा जूम करता है। ये वाले पॉइंट से ना इससे फोकस सेट किया जाता है, यहाँ पर वो बिल्डिंग। अब हालांकि कैमरे में ज़्यादा दूर दिखती है ना चीज़ें, मुझे वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बट बिल्डिंग के अंदर जो ग्रिल्स हैं, जो बालकनी है, वो नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर अगर कोई हो। सो इसका देखते हैं क्या करता है। ये फोकस करना बस इसको आगे पीछे करके। मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक ऐसा फ़ोन है जिसमें 120x जूम है, Xiaomi Mi 11 Ultra याद होगा आपको। देखे जरा भाई क्या फ़र्क आता है इनमें कुछ है भी या ऐसे ही है। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना है, और ये मैं जा रहा हूँ इसके 5x पे, तगड़े वाला सीधा 120x, तो ज़्यादा ही हो गया। 120x पे देखो आपको कुछ समझ में नहीं आता, हालांकि ये दिख रहा है कि सामने घर है। इस लेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी बेटर मिलती है, जैसे कुछ फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे अभी अंधेरा हो चुका है, मैंने कैमरे का ये सोना काफ़ी बढ़ा रखा है, तो आपको मैं दिख रहा हूँ वो सामने काफ़ी दूर यहाँ से बिल्डिंग है जिसपे कुछ लिखा हुआ है। ये तो पता लग रहा है, कुछ तो लिखा है, बट बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते क्या लिखा है।
थोड़ा बहुत एंगल सेट करने के बाद बिल्डिंग तो मिल गई है और ये मैं फोकस को मैनेज करता हूँ। इसमें इमेज उल्टी बन रही है लेकिन ये इंडिया लिखा है। तो सेंटर में काफ़ी दूर एक बिल्डिंग है। अब यहाँ आप बालकनी में देख सकते हो, मतलब देखना मत। तो जितना मैंने दिखाया ना, इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह की फ़ोटो भी ले सकते हो। तो ये फोटो लेने के लिए नहीं होता, ये आपको सीखने के लिए होता है। जैसे आप स्टूडेंट हो या घर में कोई छोटा बच्चा है, मतलब एकदम छोटा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा बच्चा जो स्कूल में जाता है, बट वो देखना चाहता है कि अगल बगल कैसे भाई चिड़िया उड़ती है या फिर कोई भी छोटी छोटी चीज़ें, नेचर के करीब ले जाना चाहते हैं आप उसको, ठीक है ना? मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। और ये जो प्लैनेट दिखा रखा है डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो। और चांद अभी हमारे यहाँ निकला नहीं है आज, तो वो मैं देख नहीं सकता, बट डेफिनेटली वो दिख जाएगा आपको। क्यों बताता हूँ, रीजन बताता हूँ सिंपली। आप तो वैसे भी इसको देख पाते हो चांद को नॉर्मली अपनी आंखों से, या फिर ये Mi 11 Ultra 120x तक तो ये डिजिटल जूम करता है ना, इससे भी आप ना चांद की फोटो क्लिक कर सकते हो। हालांकि उसके पीछे सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम भी होता है, थोड़ा बहुत ट्वीक करते हो लोग, तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरनेट पर बहुत सारी फोटो मिल जाएंगी। और अगर आप सोचें कि भाई सन जैसे सूरज निकलता दिन में, उसको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, इतना ब्लरी आता आपको पता भी नहीं लगेगा, बट ये आपके लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया कि किसी को ऐसे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें सिखाने के लिए वहाँ काम आएगा। या फिर जैसे आप बिगिनर हो भाई, एस्ट्रोग्राफी वगैरह मतलब आपका इंटरेस्ट है, ये चीज़ें जानना चाहते हो देखना चाहते हो, तो ऐसे ही मतलब सीखने के लिए होता है, नॉलेज के लिए। या फिर आप खुद भी बना सकते हैं पाइप वाइप लगा के ना, यूट्यूब पर वीडियो देखना बहुत सारी मिल जाएंगी, अमेजोन से लेंस मंगवा लेना, एक बड़ा लेंस एक छोटा लेंस, उसको पाइप वाइप लगा के खुद देख सकते हो, जुगाड़ भी बन जाता है इसका, सिंपल सा है। आप लोगों को ये डिफरेंट टाइप की बीच बीच में कभी कभी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती, कैसा लगता है, क्योंकि मेरे लिए माइंड फ्रेश हो जाता है, आपका भी आई होप हो जाता होगा। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, रोज़ वही फ़ोन फ़ोन फ़ोन, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।